चल पड़े हैं। चले हुए हैं चार हरामी निकल पड़े हैं अपनी धुन में चले हुए हैं। तारा जिंदा जिंदा और मंजिल पे यूं डटे हुए हैं। ख्वाब ने अब सजे हुए हैं। मजनू के वो किस्से बात पुरानी करना हमसे। ये आंटी मुझे क्यों फोन कर रही है? हाँ हेलो आंटी। हाँ मिठू कैसे है तू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो आंटी? और ये आज तुमने मुझे जिंदगी में पहली दफा कैसे कॉल कर ली? खैर ये तो है, आज तुम्हें मेरी कैसे याद आ गई? तुम्हारी याद नहीं आई बेटा, इस खुशफहमी में मत रहो। तो फिर आंटी? वो तुम्हारे साथ था ना एक लंगूर, क्या नाम था उसका? राजू। जल्दी से उसे लेकर यहाँ पहुँच। मेरे पास इतने पैसे नहीं है आंटी कि उसको लेकर वहाँ आ जाऊँ। जितने थे कल दे दिए, और वो भी तेरे कमीशन के साथ। और हाँ, उसके पास भी इतने पैसे नहीं है जो मैं उसे वहाँ लेकर आ जाऊँ। पहली तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा आंटी। अब तन्हा आएगी तो ये जोड़ी वहां आएगी। तेरी बकवास हो गई हो तो आगे बोलूं? हाँ बोल। तेरी और तेरे पैसों की जरूरत नहीं यहाँ, बस राजू को लेके पहुँच। पहुँच रहे कि नहीं? हाँ हाँ आंटी पहुँच रहा हूँ। आहर तेरे साथ पुराना रिलेशन जो है, तेरी बात भला कैसे डाल सकता हूँ मैं? शाबाश, तुझसे यही उम्मीद थी। रामी के का क्या? चल जल्दी पहुँच। हाँ हाँ तुम फोन बंद करो, मैं यूं आया। अबे इस साले ने ऐसा क्या किया उसके साथ जो वो इस पर लट्टू हो गई है? इस पर तो कभी कोई मोहल्ले की कुकड़ी नहीं मरी, सीधा लड़की मर गई। कुछ तो किया उस साले ने। फोन करता हूं उसको। एक तो हमेशा इसका नंबर ही बंद रहता है। जानू को करता हूं। हाँ जानू, किधर हो तुम? अच्छा अच्छा असलम तुम्हारे साथ है, वेरी गुड। तुम वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूं। हाँ हाँ आ गया मिठू। खैर तो है, तूने फोन करके रुकने का बोला था। क्या बात है? अबे सालो खैर ही तो नहीं है, उसका फोन आया था। बहनचोद तुझे मना भी किया था उसका फोन रिसीव ना करें, अपना उधार मांगेगा वो। यार तो उसकी कॉल रिसीव ही क्यों करता है? खुद भी बेइज्जत होता है और साथ में हमें भी बेइज्जत करवाता है यार तू। अबे बहनचोद तो उसका फोन नहीं आया। तो फिर किसका आया? यार तू पूरी बात क्यों नहीं बताता है? यार तुम लोग पूरी बात सुनो तो पूरी बात करो ना बहनचोद, हवा के घोड़े पर सवार रहते हो हमेशा। तगड़क तगड़क तगड़क। अच्छा यार तू गुस्सा कर लेता है, हम समझे शायद उधार मांगने वाले का फोन है। चल आगे बता क्या हुआ। यार तू तो जानता है पैसे तो हमारे पास पहले ही नहीं थे, इसलिए हम लोग जरा डर गए थे। अच्छा बता ना किसका फोन आया था। अच्छा गैस करो किसका फोन आ सकता है। ना भाई ना, हम गैस नहीं कर सकते। क्यों असलम, बोलता नहीं तू? मैं सही कह रहा हूँ ना? कह तो ये सही रहा है, पहले हमने गैस किया तूने हमें गालियां दी, इसलिए अब तू खुद ही बता। तो फिर सुनो सालो, दिल पर हाथ रख लो, जो मैं बताने जा रहा हूँ ना वो सुनकर कहीं तुम लोगों को दिल का दौरा ही ना पड़ जाए। भाई सुन ले इसकी बात, दौरा पड़ना है या नहीं पड़ना, मगर जितना ये सस्पेंस डाल रहे हैं ना उससे जरूर पड़ेगा। और नहीं कमीनो, इस बात से तुम लोगों को जरूर दौरा पड़ेगा जो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। मरने के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं। वार किया जाए। तो फिर वार ये है, आंटी का फोन आया है अपने राजू के लिए। ये झूठ है अलम्बना। बाखुदा हमें यकीन था कि तुम नहीं मानोगे, यकीन तो हमें भी नहीं आया था, मगर बेटा उसने बुलाया है उसको।
वो भी बगैर पैसों के। आ जाओ मेरे साथ। कहाँ? अरे राजू के घर, उसको लेने। यार उसको फोन करके इधर ही बुला ले यार। अबे यार उसको फोन किया था मगर साले का फोन बंद जा रहा है। चलो बैठो। चलो फिर। अल्लाह करे वो घर मिल जाए। यार बहुत मजे का, मजे खट्टा है, मजे का भाई। ले भाई। देखो भाई, पिछली बार मैंने दरवाजा खटखटाया था, इस बार तुम दोनों में से किसी एक की बारी है। अब ये फैसला तुम दोनों में से कोई कर ले कि दरवाजा खटखटाना किसने। हाँ देखो भाई, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है खाला से बेइज्जती करवाने की, क्योंकि मैं तो पहले ही अपनी माँ से बेइज्जती करवा चुका हूँ। अब और हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। मिट्टू मेरे भाई, इस बार भी ये काम तू ही कर लेना यार, क्योंकि तू तो वैसे भी बिस्सी प्रूफ है। कर देना यार तू। और सालो, मैं तो बिस्सी प्रूफ हूँ। तुम लोगों की तो मेरे झंडे लगे हुए हैं। चल मेरा भाई आ जाना यार। अच्छा आओ फिर। चल मेरे शेर। ऐसे ही खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? निकम्मे कहीं के। हाला निकम्मे तो नहीं है, हम तो काम ढूंढ रहे हैं, पर हमें को काम देता ही नहीं है। तुम्हारी शक्ल और हुलिये से तो नहीं लगता कि तुम लोग काम ढूंढ रहे हो। खाला कसम से हम काम ढूंढ रहे हैं। बस बस झूठे कहीं के। चलिए बताओ यहाँ किस मुद्दे पे आयो? खाला वो राजू भाई से मिलना था। राजू भाई से मिलना था, ये तो मैं जानती हूँ। खुद तो घर पे रहते नहीं हूँ, कम से कम उसको तो घर पे रहने दो। राजू तेरे दोस्त ना आए तुझसे मिलने। निकम्मे कहीं के। खुदा की कसम जब भी इस दरवाजे पर आए ना हमेशा बेइज्जत हुए। यार इस तरह तो कोई फकीरों के साथ भी नहीं करता जिस तरह खाला हमारे साथ करती है यार। क्यों असलम बोलता नहीं तू? मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ यार कह तो तू सही रहा है। कौन सही कह रहा है? तुम तीनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? यार सब बता देते हैं, पहले तू ये बता के तेरा फोन क्यों बंद जा रहा है? यार रात को बैटरी डेड हो गई थी, चार्ज नहीं किया था। अब फोन कहाँ चार्ज होगा, तो कुछ और ही चार्ज होगा। जा अंदर से दूध पिया, क्योंकि अब तुझे ताकत की काफी जरूरत पड़ने वाली है। क्या हुआ, कोई फड्डा वड्डा हो गया? तो नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। खैर तो है ना? खैर तो भाई तेरे लिए है, हमारे लिए कहाँ। क्या बातें कर रहे हो, क्यों टाइम जाया करो, बताओ ना क्या बात है। आए हाय अभी से टाइम की फिक्र हो रही है भाई को। बंद करिए बकवास, आओ यार मेरे साथ। किधर? अबे आना। ओफ क्या बात है, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, बताओ ना क्या बात है। अबे यार तुझे आंटी ने बुलाया है। कौन आंटी? वाह बेटा वाह, इतनी जल्दी भूल गया? अभी कल ही तो तूने वहां मजे लिए, उसी कोठे वाली आंटी ने बुलाया तुझे। मिठू मुझे क्यों बुलाया आंटी ने? तूने कल पैसे तो दिए थे ना उनको, या उधार करके आया? कितनी फिक्र हो रही है ना जनाब को उनके पैसों की। ओ बेटे पैसे भी दिए थे और साथ में कमीशन अलग से। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? दरअसल आंटी ने तुझे बुला रही, वो बुला रही है जिसके साथ कल तू सोया था। यार राजू सच सच बता, तूने कल दवाई खाई हुई थी ना? अरे वो बंदी तेरे पीछे पागल ही हो गई है यार। ऐसी बात नहीं है, दिल आ गया होगा उसका, मैंने उससे पूछा था, उसे बताया ही नहीं। खैर जो भी है, जाना तो पड़ेगा हमें। पर मैं तो घर से पैसे नहीं लाया हूँ, और तुम लोगों को पता है आंटी तो वहां पर बगैर पैसों की सांस भी नहीं लेने देती। अबे ये मामला पैसों का नहीं है भाई, अब मामला कुछ और है, बात इश्क विश्क की है। यार राजू
वो बंदी पूरी तरह तुझ पे दिल हार गई है। उसी ने आंटी को मजबूर किया तुझे बुलाने के लिए। क्यों असलम बोलता नहीं? मैं सही कह रहा हूँ ना? बात तो तू सही कर रहा है, वरना ये लोग बात बात में करते हैं और पैसे पहले गिनते हैं। ले भाई तेरी तो लॉटरी निकल आई, मुफ्त में ले मजे बेटा, अब जी भर के। चलो फिर, चलो चलो मेरे शहजादो। शैतानी लिखेंगे अब एक नई कहानी।